कभी कभार समझ नहीं आता कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं। मोबाइल हाथ में है, जिसकी इज्जत उछालनी है कह दो। मैं हमेशा से मेरी कोशिश है कि शाहीन को मैं साइड पे रखूं कप्तानी से। शाहीन ने भी बल्कि काफी दफा कहा है कि लाला की कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कप्तान बनूं और इस तरफ, लेकिन वो लाहौर कलंदर के कप्तान बना दिया। आई रिमेंबर आपने उस पे भी क्रिटिसाइज किया था। मैंने क्रिटिसाइज किया, इतनी जल्दी क्या जरूरत है। चेयरमैन साहब ने मेरी राय ली कप्तानी के हवाले से। मैंने कहा जी बाबर को ना हटाए, उसको रेड बॉल पे चलने दे। आप मोहम्मद रिजवान को लेके आए वनडे और टी20 के लिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान कप्तानी मुल्तान सुल्तान के लिए कर भी रहा था। वो जेल करना भी आता है, सबको साथ लेके चलना भी आता है उस लड़के को। मुझे पता है कि रिश्ता मेरा और शाहीन का ऐसा है ना कि लोग समझेंगे कि ये शाहिद सपोर्ट कर रहा है या लॉबिंग कर रहा है। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं इन चीजों में ना पढ़ता हूँ, ना मुझे शौक है, ना मेरा अगर कोई चक्कर होता आज बोर्ड के साथ मैं चेयरमैन के खिलाफ बातें ना कर रहा होता। आज तक मैं हल्फिया कसम खाता हूँ कि मैंने शाहीन को कभी कप्तानी की सपोर्ट की ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि लोगों की सोच क्या है। लोग क्या समझते हैं कि लाला ने लॉबी की है और पता नहीं पूरे स्टेज सजाए शाहीन के लिए।